सीतामढ़ी पुलिस ने चोरी के मोबाइल को इंटरनेशनल बाजार में बेचने का खुलासा किया है। दरअसल इस मामले की सूचना मिलने के बाद सीतामढ़ी एसपी के निर्देश पर एक गठित टीम के द्वारा खुलासा करते हुए बताया गया कि 24 आईफोन समेत 59 चोरी के मोबाइल को बरामद किया गया है। सभी मोबाइल को चोरों के द्वारा चोरी कर नेपाल समेत भारत के कई राज्यों में बेचा जा रहा था। कल शाम में थाना अध्यक्ष बैरगिनिया को ऐसी सूचना प्राप्त हुई कि एक व्यक्ति अपने सहयोगी के साथ मिलकर चोरी के मोबाइल का खरीद फरोख करता है और उसके जो लॉक होते हैं उसको खोलता है ताकि वो पुनः यूज इस्तेमाल किए जाने के लिए विभिन्न बाजारों में बेचे जा सके। उस सूचना के सत्यापन एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु थाना अध्यक्ष बैरगिनिया एवं तकनीकी शाखा के सहयोग से वहां पहुंचकर छापेमारी की है। छापेमारी के क्रम में एक व्यक्ति जिनका नाम राहुल गुप्ता है उन्हें उनके घर से 59 मोबाइल जिसमें कि 24 आईफोन भी शामिल हैं एवं 2 लैपटॉप इसके साथ उन्हें गिरफ्तार किया गया। ये सभी मोबाइल लैपटॉप प्रथम दृष्टया चोरी के प्रतीत होते हैं एवं उनका लॉक खोलने का काम ये करते थे। इनके एक सहयोगी हैं जिनका नाम शिवराज चौधरी है जो चोरी के मोबाइल्स के खरीद फरोख्त के पुराने वो अभियुक्त रहे हैं। वो वहां से भागने में सफल रहे जिनके लिए अभी गिरफ्तारी के प्रयास जारी है। उन सभी से जो सूचना इकट्ठा हुई है सूचना संकलन करके अभी ऐसा पता चल रहा है कि इनके जो तार हैं वो अन्य कुछ लोगों के साथ जो बिहार एवं बाहरी प्रदेशों में हैं उनसे जुड़े हुए हैं जिनके माध्यम से ये ऐसी चोरी के मोबाइल को प्राप्त करते हैं इनका लॉक तोड़ते हैं एवं इसे पुनः इस्तेमाल करने के लिए अन्य बाजारों में बेचते हैं। इस पे फॉरवर्ड और बैकवर्ड लिंकेज स्थापित की जा रही है एवं अग्रिम कार्रवाई इस पे जारी है। धन्यवाद। सीतामढ़ी से न्यूज 18 लोकल के लिए भरत चौबे की रिपोर्ट।